हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये मैं लास्ट जनवरी को कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, तो वहीं के पिक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वो अभी असम में ओम्बा बिची बोलते हैं, ओम्बा बिची चल रहा है, जो कि 22 जून मंडे मॉर्निंग 7:54 में ये लग्न स्टार्ट हुआ था। हम लोग ऐसे लग्नी बोलते हैं। और 25 जून के 8:18 तक ये रहेगा, और 18 मिनट के बाद हम ये हट जाएगा। दिस लग्न हम लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ नियमों को मानते हैं, और छोटे से मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, उनको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं, तो मैंने बोला ही था मैं असम के बारे में, मुझे जो कुछ भी पता है मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो आप लोगों को नेट में कहीं भी शायद मे भी मिल जाएगा, बट मेरे थ्रू मैं थोड़ा सा जितना भी मुझे पता है। ओम्बा बिची में क्या करते पता है? हम लोग पूजा नहीं करते हैं, और भगवान जी का मंदिर, जैसे कि माता जी का मंदिर बंद है, उसी तरह हम अपना मंदिर भी बंद रखते हैं, तो पूजा नहीं करते। अगर कोई करता होगा तो मे बी मैं नहीं बोलूँगी, वो उनका बात है, अगर करते होंगे तो ठीक है। हम ये एक्चुअली हमारा आस्था है, तो हम बचपन से ही जो करते आए हैं तो वही हम मानते हैं। इसमें मतलब हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, बट हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो आस्था है, वो तो वो सब चीज़ों को हम एक साथ हमारे साथ लेके ही हमें आगे बढ़ना है ना। तो इन दिनों भगवान जी जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो बंद रहता है, और 25 जून को आपको 8:18 में खुलेगा। तो उसके बाद भगवान जी के पूजा अर्चना देवी के सब कुछ होंगे। उतना डिटेल से तो हम लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि तब तक तो कोई भी नहीं जाता है, उसके बाद ही जाता है। और इस साल तो COVID-19 के वजह से कुछ भी नहीं होगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे। हर साल मैं अपने मम्मी को लेके जाती हूँ, नो डाउट। लास्ट 2 ईयर से मैं नहीं जा पाई, तो मुझे लग रहा था अभी इस साल में ज़रूर मैं ट्राई करूँगी मम्मी के साथ। मम्मी भी मेरे लिए रुकी रहती है, मैं पहले मम्मी और मैं जाती थी, तो इस साल नहीं हो पाएगा। कोई अगर ठीक हो जाए तो डेफिनेटली सब कुछ नॉर्मल होगा, एंड नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से मनाएंगे ओम्बा बिची का मेला, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताती हूँ। ये तो मतलब ऐसे कोई छुपने छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, हमें किताब में भी मिल गया था, बहुत सारे आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। चल पर्वत में जो माँ कामाख्या मंदिर है, इन्हीं में से एक है, और हम इनको मतलब बहुत ही आस्था रखते हैं। हम सारे असम के लोग ही हो, सारे भारत के ही लोग हो, ये कामाख्या बहुत ही मतलब आस्था और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, ये सबको ही पता है। हमारा तो दिल में ही रहता है। हम कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि असम को भगवान माँ कामाख्या की आशीर्वाद है, और हमें कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा हमारे साथ है। कोई भी बाधा विपत्ति आएगी तो ये टल ही जाएगा, क्योंकि माँ हमारे साथ है। ये मेरा ही नहीं, हर असमवासी का दिल में ही ये मतलब चीज़ रहता है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो वही ये छोटा सा मुझे बताना था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो याद रखना 25 जून 8:18 में ये लग्न ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उस दिन तो हम कुछ बहुत रात हो जाएगा, तो उस दिन तो कुछ नहीं होगा, अगले दिन ही करेंगे, मंदिर में करेंगे शायद, तो हम घर में कुछ नहीं शायद करेंगे। और उस दौरान हम लोग जैसे कि नवरात्रि में जेंट्स अपना शेविंग नहीं करते हैं, नाखून बाल वगैरह नहीं काटते हैं, तो हम भी ये 3 दिन बहुत मानते हैं। हम ओम्बा बिची जाने के बाद सब कुछ सही हो जाए, भगवान सब कुछ हमें आशीर्वाद दे कि हम इस महामारी को मात दे के हम आगे बढ़ पाए, फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाए। बस इतनी सी जानकारी देनी थी। अगर कोई भी भूल चूक हो गया हो, किसी को इससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा नॉलेज बहुत होगी, मुझे कुछ भी नहीं है नॉलेज। अगर कुछ ऐसा कुछ डाउट मतलब मेरे से गलती हो गई हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो एकदम विनम्र मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस यही मैं बोल सकती हूँ, और कैसा लगा बताना। और बस जो है वो शायद मैं देखती हूँ, मैं डालूँगी पिक वगैरह। और आपको क्या बोलूँ,
जब ये लग्न हट जाएगा उसके बाद माता जी का मंदिर एकदम ही दुल्हन जैसा लगता है। आप लोगों को वो दृश्य अगर काश मैं दिखा पाती, आप लोग नेट में देख लेना सर्च करके, इतना प्यारा लगता है ना भगवान मतलब माता जी का मंदिर, पूरा दुल्हन जैसा सजाते हैं फूलों के माला से, फ्रूटों से, इतना अच्छा लगता है ना देखने से ही, मतलब आँखें पर मतलब शांत हो जाती है, आँखों को बहुत ही ठंडक पड़ जाती है। तो मे बी ऐसे तो मंदिर के कमेटी वालों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, मुझे सुनने को आया है, न्यूज़ में भी ये सब तो दे ही रहा है, सबको पता ही है। तो ऐसे बस जो मंदिर में मतलब पंडित जी वगैरह है वही थोड़ा विधि विधान नियम करेंगे, बाकी बाहर के कोई भी यात्रियों को भक्त को अलाउ नहीं किए हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही भी है, ये हमारे सुरक्षा के लिए किए हैं। तो इस साल हम घर में ही भगवान को याद करके घर में ही रहें, भगवान तो हर जगह ही रहता है, भगवान के मंदिर में नहीं जाने से भी भगवान घर में ही आप पूजा करके भगवान को याद कर सकते हो, है ना। कामाख्या जी के देश से हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, और आपको पता है कामाख्या आप जितने भी बार जाओ ना आपका मन कभी नहीं भरेगा, आपको लगेगा आप वहीं पर होगे पूजा करके, फिर लगेगा फिर कब आएंगे, इस टाइप का एक फीलिंग आता है। देखना कभी आप लोग कहीं से भी हो एक बार ज़रूर आइएगा और देखिएगा मैंने क्या बोला है। एक बार जो आएगा ना वो बार बार आने की कोशिश करो। कैसा लगा मेरा ये आज का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक तो बताना। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, आप सबका दुख दूर कर देना और हमेशा हमारे साथ रहना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा बताना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।